अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वार्ड नंबर 14 के लोग सोशल वर्कर अंजुमन मोहब्बान शेख आसिफ के रुकन है। करीब करीब सब यहाँ पर हम लोगों को कल परसों से मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कुछ मिट्टी के मुतालिक ब्लैक मार्केटिंग भई है, कुछ चोरी भई है। तो दो रोज से हम लोगों ने इंक्वायरी की है। तो हम लोगों को दो दिन की इंक्वायरी में ये पता चला है कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब नहीं तो 80 ट्रैक्टर मुरुम मिट्टी चोरी भई है, पीली मिट्टी। पहले इस तरीके से यहाँ किया गया है कि पीली मिट्टी ऊपर की जो काली मिट्टी थी उसको साइड में हटाया गया है, फिर अंदर से पीली मिट्टी यहाँ से निकाल के ट्रैक्टरों के जरिए दूसरी तरफ भेजा गया है। और उसके बाद जो खड्डा हुआ उसके अंदर ये अपने स्टेडियम के पास का माल, कचरा, घान, राखी, जो भी दिगैर चीज़ें इनको मिली उसके अंदर खड्डे में डाले। और उसके बाद वो काली मिट्टी जीसीबी से लगाकर, उसकी वीडियो हमारे पास है, जीसीबी से लगा के उसको जो है ना वापस से लेवल कर लिया कि ये चोरी दबाई जाए। तो हमारा इल्ज़ाम किसी सोशल वर्कर पर नहीं है, किसी कारपोरेटर पर नहीं है, किसी ठेकेदार पर नहीं है। हम ये इंक्वायरी जो है नगर पालिका से मांगेंगे, जो खातिर इसमें है, जो गुनहगार है या जो जिसने चोरी किया है बैतुल माल की, जो चोरी किया है, जो कारपोरेशन की मिल्कियत को बगैर इंक्वायरी के, बगैर लेटर के, बगैर मांगने के यहाँ से चोरी किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और उस चोर, उस ठेकेदार, उस सोशल वर्कर को नगर पालिका अपने जरिए FIR दर्ज करे उसके खिलाफ और उसको आवाम के बीच में लाए। आज ये मिट्टी का मामला है, आज लोग मिट्टी चुरा ले गए, कल हो सकता हमारे घर में भी चोरी हो जाए और हम कुछ न कर पाए। तो इसी तरीके से मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपके नज़दीक, आपके गली में कुछ भी ऐसा होता है जो हमारी मिल्कियत है, नगर पालिका बोले तो हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत अगर कहीं से कुछ चोरी हो रही तो उसको उजागर करे, शहर को उस चीज़ के मामले में बताए। इस तरीके से यहाँ किया गया है कि पीली मिट्टी ऊपर की जो काली मिट्टी थी उसको साइड में हटाया गया है, फिर अंदर से पीली मिट्टी यहाँ से निकाल के ट्रैक्टरों के जरिए दूसरी तरफ भेजा गया है। और उसके बाद जो खड्डा हुआ उसके अंदर ये अपने स्टेडियम के पास का माल, कचरा, घान, राखी, जो भी दिगैर चीज़ें इनको मिली उसके अंदर खड्डे में डाले। और उसके बाद वो काली मिट्टी जीसीबी से लगाकर, उसकी वीडियो हमारे पास है, जीसीबी से लगा के उसको जो है ना वापस से लेवल कर लिया कि ये चोरी दबाई जाए। तो हमारा इल्ज़ाम किसी सोशल वर्कर पर नहीं है, किसी कारपोरेटर पर नहीं है, किसी ठेकेदार पर नहीं है। हम ये इंक्वायरी जो है नगर पालिका से मांगेंगे, जो खातिर इसमें है, जो गुनहगार है या जो जिसने चोरी किया है बैतुल माल की, जो चोरी किया है, जो कारपोरेशन की मिल्कियत को बगैर इंक्वायरी के, बगैर लेटर के, बगैर मांगने के यहाँ से चोरी किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। भाई ये मतलब स्टेडियम है, ये अपने खेल कूद के लिए मैदान है, ये हमारा मतलब पूरे शहर से लोग यहाँ पर खेल कूद के लिए, पूरे शहर से क्या, पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर उतरते हैं, कभी दंगल के लिए, कुश्ती के लिए, कभी क्रिकेट के लिए। और यहाँ पर कुछ जो चोर किस्म के लोग हैं यहाँ पर, वो स्टेडियम में मतलब खेल कूद, मतलब इसको डेवलपमेंट करने के बजाय ये गड्ढा खोद कर पीली मिट्टी की चोरी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो आप, ये गड्ढा आप देख सकते हैं, ये गड्ढा जो है कम से कम समझ लोगे 35 फुट गहरा, 20 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबाई, ऐसे टोटल 5 जगह गड्ढे किए गए, जिसमें से 476 ट्रैक्टर पीली मिट्टी चोरी की गई। और दरख्त तो लगाओ मतलब कारपोरेशन चिल्लाती है कि यार मतलब दरख्त तो लगाओ। तो यहाँ पर मतलब जो पुराने दरख्त तो लगे हुए थे, कम से कम 8-10 टन के एक एक झाड़ थे, सायेदार दरख्त जो थे, तो कम से कम 5 झाड़ भी यहाँ पर सफाई के नाम पर चोरी कर लिए गए। और ये मिट्टी जो है मतलब पीछे रोड का काम चालू हो, किसका ठेका है मुझे नहीं मालूम, किस कारपोरेटर का ठेका है, किस कारपोरेशन के कर्मचारी का मतलब कार्यक्रम है वहाँ पर। ये वहाँ पर 76 ट्रैक्टर मिट्टी मतलब वहाँ पर डाली गई और बाकी 400 ट्रैक्टर कुछ सरमायादारों के कारखानों के लिए पहिए भरे गए। ये कुछ जमीन चोर भी इसमें शामिल हैं और कुछ मतलब सोशल वर्कर के नाम पर जो चोरियां कर रहे हैं। ये दरख्त तो काटना बोले तो जान लेने के बराबर है कायदे में। मैं चाहता हूं कि यार इसकी इंक्वायरी हो और ये ऐसे दुश्मन अनासिरों से मतलब आवाम होशियार रहें। ये खेल कूद के मैदान को जो मतलब आज तक मतलब डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे जो चोरी और बदउनवानी की जा रही है,
हम चाहते हैं क्या कॉरपोरेशन के तहत के यार कमिश्नर जो भी आला इकतदार के लोग हैं इनकी मतलब इंक्वायरी की जाए अच्छे ढंग से और ये चोरों को सामने लाया जाए।